कोल्हापुर के एक शहर में संवाद अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कोल्हापुर में सूखा और गर्मी होने के कारण लोग ज्यादातर अपने घरों में रहते थे। इतनी गर्मी है, लग रहा है नरक में हूँ। क्या आप भी हमेशा नरक और बहकी बहकी बातें करते रहते हैं? कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम पिछले एक महीने से कह रही हो, आज खाना खा लो, कल तो हमें खाना भी नहीं मिलने वाला। काश दूसरे गांव और कस्बों की तरह हम भी खुश होते। दूसरे गांव के मर्द हमेशा काम और मेहनत करते हैं, यूं ही नहीं घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हैं। तुम हमेशा मुझे ताने मारकर ही खुश रहो, ये नहीं है कि कभी मेरी थोड़ी तारीफ कर दें। तारीफ करने लायक कोई काम भी तो कर लो। संवाद अपनी पत्नी भाग्या से बहस करके घर के बाहर चला जाता है। चलो संवाद भैया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम बड़े ढीले हो, हमेशा गांव में सब कुछ होने के बाद ही आते हो। हुआ क्या, पहले ये बताओ, ज्यादा मुँह ना चलाओ। वहाँ देखो, शेरू शहर से बर्फ लेकर आया है और गांव वालों को मुफ्त में खिला रहा है। जाओ जाओ, थोड़ी सी बर्फ ही ले लो और अपनी पत्नी को जाकर दे देना। कम से कम तुम्हारे बर्फ से वो खुश तो हो जाएगी, क्योंकि गजरा तो तुम देने वाले नहीं हो। संवाद ये खबर सुनकर ही शेरू के पास दौड़ पड़ा और उससे पूछने लगा। अरे शेरू भाई, ये इतनी सारी बर्फ तुम कहाँ से ला रहे हो? बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें गांव वालों की मदद करता देख। ज्यादा मस्का मत मारो और बर्फ ले जाओ, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लेने वाला। नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि ये बर्फ तुम ला कहाँ से रहे हो? मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? उस वक्त तो संवाद शांति से बर्फ लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी भाग्या के साथ बड़े चाव से बर्फ को पानी में मिलाकर पीता है। शेरू कितना अच्छा और भला आदमी है, लोगों को बर्फ देकर उनकी प्यास बुझा रहा है, वरना इस गर्मी में हमारी क्या हालत होती पता नहीं। इससे पहले तो तुम कह रही थी कि गर्मी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, तुम्हारा मन भी बर्फ की तरह यहाँ वहाँ डोलता रहता है। दूसरे दिन संवाद शेरू का पीछा करने लगता है और उसके साथ उस बर्फ वाली जगह पर जाता है। वहाँ जाकर देखता है किसी अजनबी आदमी से बातें कर रहा है। सुनो, कुछ दिन और बर्फ दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इससे मेरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, जिससे मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, देखो ये अब आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई भी बर्फ का टुकड़ा नहीं दूंगा, लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। जैसा तुम कहो, इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा दे देना। शेरू और उस बर्फ वाले की बात को संवाद अच्छी तरह समझ जाता है। शेरू का भांडा फूट चुका था। शेरू के वहाँ से जाते ही संवाद उस बर्फ वाले से कहने लगता है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनते क्यों नहीं है आप? भाई तुम कुछ बोलोगे तो मैं सुनूंगा ना, और मेरा दिमाग मत खाओ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। शेरू तुमसे जो बर्फ मुफ्त में ले जाता है, क्या तुम उसे पैसे लेकर बेचोगे? अगर तुम अच्छे पैसे दोगे तो क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें बेचूंगा। लेकिन एक शर्त पर, तुम अब शेरू या किसी और को बर्फ नहीं दोगे। ये भी कोई कहने की बात है, वो तो मुफ्त में ले जाया करता था और अब तुम पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें ही दूंगा। अगले दिन से ही उस बर्फ वाले ने शेरू को मुफ्त में बर्फ देना बंद कर दिया और संवाद को पैसे देकर बर्फ बेचने लगा। संवाद उस बर्फ वाले से बर्फ लेकर बेचने की तैयारी करने लगा। आ जाओ, बर्फ खरीद लो, ये अच्छे ठंडे और टिकाऊ बर्फ हैं, गर्मी भगाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह संवाद भैया, ये हुई ना बात, गांव में बर्फ बेच रहे हो, हम तो शेरू से मुफ्त में ही ले लेंगे। कोई शेरू वेरू नहीं आने वाला, तुम्हें लेना है तो लो, और अब मुफ्त में नहीं, पूरे 50 रुपए में एक बक्सा मिलेगा बर्फ का। संवाद अपने मन की मनमानी करके बर्फ बेचने लगा। शेरू के हाथ में अब कुछ नहीं बचा था। शेरू ने उसे बर्फ बेचते हुए देखा और कहा, वाह दोस्त वाह, तुमने पीठ पीछे ये सारी साजिश रची, अच्छी चाल चली है तुमने, मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया है, तुम जाकर सरपंच बनने की तैयारी करो। अच्छा तो तुम्हें ये बात भी पता चल गई। शेरू उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, लेकिन संवाद के मन में लालच का पेड़ आ चुका था। संवाद गांव-गांव जाकर बर्फ बेचने लगा था। गांव वाले लालच और गर्मी से परेशान होने के कारण संवाद से बर्फ मजबूरी में खरीदने लगे थे। अब से मुझे ज्यादा बर्फ चाहिए, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ।
यहाँ बर्फ की कोई खदान थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें बर्फ दे सकूं। मेरे पास इतना ही मिलेगा, लेना है तो लो वरना मत लो। तुमसे अच्छा तो वो शेरू था, सरपंच बनने के लिए भला गिड़गिड़ाया तो करता था लेकिन दिल का साफ था। संवाद ज्यादा पैसे के लालच में बर्फ में गंदा पानी मिलाया करता था ताकि बर्फ ज्यादा बढ़ जाए। तालाब से पानी लेकर उस बर्फ वाले को दे दिया करता था जिससे बर्फ बढ़े और वो ज्यादा पैसे कमा सके। आप इतने सारे बर्फ ला कहाँ से रहे हैं? कल गांव के कुछ लोग उस बर्फ के पानी को पीकर बीमार हो गए। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है। ज्यादा लालच के चलते कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? अब गांव वाले कमजोर हैं तो उसमें मेरी क्या गलती, मैं तो बस एक बर्फ का व्यापारी हूँ। बस आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। लेकिन संवाद किसी की भी नहीं सुनता। तालाब के पानी से बर्फ जमा कर वो गांव वालों को बेचा करता जिस वजह से आधे से ज्यादा गांव बीमारी की चपेट में आ गए। लोगों को बुखार और कई अन्य बीमारी होने लगी। ये सब बैठकर यमराज और चित्रगुप्त देख रहे थे। आजकल कोल्हापुर में ज्यादा ही बर्फबारी हो रही है महाराज। तनिक इस संवाद की आयु का पता लगाओ। अभी तो उसके जीवन के पूरे 40 साल बचे हैं महाराज। हम आयु के विरुद्ध तो नहीं जा सकते, हमें पिछली बार की तरह पृथ्वी पर जाना ही होगा और उसे सबक सिखाना होगा। तो क्यों ना इस बार हम भी बर्फ का व्यापार कराएं? क्या कहते हैं आप? जैसे लोहा लोहे को काटता है, बर्फ बर्फ को काटेगा। तुम बस मेरा खेल देखते जाओ और एक व्यापारी का भेष धारण कर लो। यमराज और चित्रगुप्त कोल्हापुर गांव में भेष बदल कर एक बड़ा व्यापारी का रूप धारण करके चले जाते हैं। हमें करना क्या है महाराज? हम यहाँ एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना देंगे। लालच के जाल में फंस कर वहाँ संवाद जरूर जाएगा। यमराज ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना दिया। पूरे गांव वाले बर्फ का पहाड़ देखकर दंग रह गए। उनमें मौका देखकर संवाद वहां भी पहुंच गया। लगता है उस बर्फ वाले ने ये मेरे लिए लाया है। वो भी तंग आ गया होगा मुझसे। लेकिन मुझे क्या, मैं तो बर्फ बेचूंगा। संवाद उस बर्फ के पहाड़ को देखकर वहां चला जाता है और कहता है, ये बर्फ का पहाड़ कहां से आया? तब यमराज और चित्रगुप्त वहां आ गए और चित्रगुप्त ने कहा, अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, ये बर्फ तुम्हारे लिए ही लाई गई है, जाओ जाकर ले लो। हमें उन्हीं बर्फ वाले ने तो भेजा है आपके पास। ये बर्फ आपके लिए उपहार है। आप इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं वो भी इतनी गर्मी में लोगों को बर्फ पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा ही पुण्य का काम है। अरे ये बात तो मुझे भी पता है। जब भी कोई मेरी तारीफ करता है मुझे बहुत शर्म आती है। संवाद ने आओ देखा ना ताओ और उस बर्फ के पहाड़ में बर्फ लेने के लालच में चला गया। जैसे ही बर्फ के पहाड़ के पास वो पहुंचा, यमराज ने अपनी शक्तियों से उसे बर्फ की एक बड़ी सी कारावास यानी कि बर्फ की जेल में बंदी बना लिया। ये क्या हो गया, मैं बर्फ की जेल में कैसे आ गया? मुझे ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। संवाद को बर्फ की जेल में देख शेरू और उसकी पत्नी भाग्या दंग रह गए। तब शेरू ने कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे गांव वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मेरे पति को, ठंड के मारे देखो कैसे कांप रहे हैं, ज्यादा ठंड से कहीं बीमार ना हो जाए। तब जाकर गांव वालों को दिखाने के लिए यमराज और चित्रगुप्त अपने असली अवतार में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं यम हूँ, यमलोक का यमराज, और मैं हूँ चित्रगुप्त। यमराज और चित्रगुप्त को उनके असली अवतार में देख गांव वाले डर गए। शेरू और भाग्या ने उन्हें नतमस्तक होकर कहा, आप हमारे गांव क्यों आए हैं और आपने मेरे पति को ये कड़ी सजा क्यों दी है? दंड का पात्र संवाद स्वयं है। तब जाकर यमराज और चित्रगुप्त ने सारी सच्चाई गांव वालों के सामने रखी। मुझे छोड़ दो, ठंड के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कृपा करें महाराज, आप देव हैं, आप सब कुछ हैं, मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज, मैं विधवा नहीं होना चाहती। यमराज ने भाग्या और अन्य गांव वालों की बात सुनकर बर्फ की जेल खत्म कर दी और कहने लगे, मैं तुम्हारे प्राणों को हरने नहीं आया था, मैं तुम्हें बस सबक सिखाने आया था, लेकिन तुम्हें दंड दिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। आपने दंड दे तो दिया, मैं अब सब समझ गया हूँ, दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम जब भी बर्फ को छुओगे तो उसे छूते ही तुम्हें एक बिजली का झटका लगेगा। इतना कहकर यमराज और चित्रगुप्त वहाँ से अदृश्य होकर चले जाते हैं। संवाद को उसकी सजा मिल गई और वो अपनी पत्नी के साथ
शांतिपूर्वक रहने लगा। गांव वालों ने शेरू को गांव का सरपंच घोषित कर दिया और सुखी सुखी रहने लगे। एक गांव में रूपवती नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रूपवती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके पिताजी ड्यूटी पर चले जाते तो वह घर पर अकेली रह जाती। एक दिन रूपवती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी या तो मुझे माँ ला कर दो या एक गाय ला कर दो, मैं सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गाय ला कर दे सकता हूँ। हर रविवार को गांव में जानवरों का बाजार लगा करता था। रूपवती के पिता बाजार से एक गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह पिताजी, बहुत सुंदर गाय लेकर आए हो, मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपवती घर पर अकेली नहीं रहती थी, वह पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध दूती, तो कभी उसे कविता पढ़कर सुनाती। रूपवती के घर के पीछे सेठ और सेठानी रहते थे। रूपवती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी, उसे जब भी मौका मिलता वह गांव में इधर उधर भाग जाती। एक दिन दोपहर में रूपमती की आंख लग गई, तो मुन्नी सेठानी के घर जाकर उसकी साफ सुथरी जगह में जगह जगह गोबर कर आई। सेठानी जब सोकर उठी उसे बहुत क्रोध आया, उसने आव देखा न ताव और मुन्नी की लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की आवाज रूपमती के कानों में पड़ी तो वह एकदम उठ गई। रूपवती दौड़ती हुई सेठानी के घर पहुंची। अरे 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 ताई रुक जाओ, ताई बेचारी मर जाएगी। ले जाए इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपवती रोती हुई मुन्नी को लेकर घर आई। मुन्नी का एक सींग टूट गया था, लगता है अब इसे खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। रूपवती मुन्नी की मरहम पट्टी करती है और एक खूंटा गाड़ कर मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ, अब मैं निश्चिंत होकर रह सकती हूँ क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक दिन रूपवती के घर डाकिया पत्र लेकर आया। क्या हुआ बेटी, किसका पत्र है? पिताजी, शहर के चाचा का पत्र आया है, अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति की शादी है। कुछ दिनों बाद रूपवती अपनी चचेरी बहन की शादी में जाती है। देख मुन्नी, बस 2 दिन की बात है, यह चारा रखा है खा लेना, और यह पानी रखा है इसे पी लेना। जब रूपवती और उसके पिता चले गए तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और वह गांव में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा कि सेठ और सेठानी अपने घर में सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर में घुसी और उन दोनों के मुंह पर गोबर कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपवती घर लौटी तो उसने देखा खूंटा उखड़ा हुआ पड़ा है। पिताजी, मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को गांव में ढूंढने लगे। अरे चाचा, हमारी गाय देखी क्या? बेटा, तुम्हारी गाय को सेठ सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपवती और उसके पिता को बहुत गहरा धक्का लगा। वे सेठ सेठानी के घर पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी, आपने हमारी गाय को मार डाला? हाँ, मार डाला, उसने हमारे मुंह पर गोबर कर दिया था इसीलिए मार डाला। ये तुमने ठीक नहीं किया सेठ, मैं पंचायत में शिकायत करके तुम्हें सजा दिलाऊंगा। शिकायत विकायत से कुछ नहीं होगा, नियम ये है कि जानवर के बदले जानवर देना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीद दी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरगिल्ली नहीं थी, ये बूढ़ी गाय पता नहीं कहां से उठा लाए हो। देखो, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, गाय के बदले मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ध्यान रखना, इकलौती बेटी है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा, बताना जरा। चल बेटी, ऐसे घमंडी लोगों के मुंह लगना बेकार है। रूपवती और रूपवती के पिता बूढ़ी गाय को ही अपने घर ले आते हैं।
पिताजी, मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा, मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती। हम इसी बूढ़ी गाय को प्यार से पालेंगे। रूपवती और उसके पिताजी कमजोर गाय की खूब देखभाल करते हैं। उसकी हालत में कुछ सुधार होता है। एक दिन रूपवती गाय का दूध दूने बैठी। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए, गाय से दूध की जगह सोने का पानी निकल रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर ठोस सोने में बदल जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपवती जल्दी ही अमीर हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ हो। वह बूढ़ी गाय जिसे तुमने रूपवती को दे दिया था, सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम बहुत अमीर हो चुके होते। सेठ सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार के बाजार से एक अच्छी गाय खरीदी और उसे लेकर रूपवती के घर पहुंच गया। क्या हुआ ताऊ जी, अब क्यों आए हो हमारे पास? पिताजी घर पर हैं बेटा? नहीं, ड्यूटी गए हुए हैं। मुझे अपनी बूढ़ी गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरी माँ के समान है। तुम उसके बदले में ये स्वस्थ और अच्छी गाय ले सकती हो। अच्छा, अब जब हमने बूढ़ी गाय की सेवा करके उसे अच्छा कर दिया और वह सोने का दूध देने लगी, तो तुम्हें ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे पिताजी के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? रूपवती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वह दूध दूना शुरू करता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दुआ जा चुका होगा, इसीलिए कल सुबह इसे दूना। उस रात सेठ और सेठानी सो जाते हैं। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट तक का गोबर कर दिया है। सेठ और सेठानी पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। उन दोनों का गोबर के अंदर दम घुट जाता है। तभी तो कहते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंत भी बुरा ही होता है। पुराने समय की बात है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव में मोतीलाल नाम का एक बुढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन मोतीलाल की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी और मोतीलाल पास में बैठा खाना खा रहा था। तभी उनके घर कहीं से एक कुत्ता घुस आया। लगता है बेचारा भूखा है। हाँ, आप अपनी रोटी इसे दे दो, मैं आपके लिए और सेक देती हूँ। बूढ़ा आदमी कुत्ते को दूध में डालकर बहुत प्यार से रोटी खिलाता है। खाना खाने के बाद कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। अरे ये तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। हम इसे पाल लेते हैं, इसको हम किच्चू के नाम से पुकारेंगे। बूढ़ा आदमी जब खेत पर जाता तो किच्चू भी उसके साथ जाता। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खेत पर काम कर रहा था तो किच्चू एक जगह की मिट्टी खोदने लगा और भौंकने लगा। क्या हुआ किच्चू, क्यों भौंक रहे हो? शायद ये यहाँ की जमीन खोदने के लिए कह रहा है। क्या है यहाँ पर? बूढ़ा फावड़ा लेकर आता है और किच्चू की बताई जगह पर जमीन को खोदना शुरू करता है। किच्चू खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। बूढ़े आदमी का फावड़ा एक पत्थर से जा टकराया। उसने पत्थर हटाकर देखा कि पत्थर के नीचे एक घड़ा रखा हुआ है। बूढ़े ने घड़े को बाहर निकाला।
उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। बूढ़ा जब घड़ा सिर पर रखकर अपने घर ले जा रहा था तो गांव के एक आदमी चंदर सिंह ने उसे देख लिया। चंदर सिंह रात में बूढ़े के घर पहुंचता है। उसने देखा कि बूढ़ा और उसकी पत्नी सिक्के गिनने में लगे हुए हैं। मोतीलाल, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत गरीब हो, अब ये इतने सोने के सिक्के कहां से आए तुम्हारे पास? बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थे, वे सब कुछ सच सच चंदन सिंह को बता देते हैं। अपना कुत्ता एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। ठीक है, ले जाओ। किच्छू चंदर सिंह के साथ जाना नहीं चाह रहा था। चले जाओ किच्छू, एक दिन की ही तो बात है। अपने मालिक के कहने पर किच्छू चंदर सिंह के साथ चल दिया। अगले दिन सुबह चंदर सिंह किच्छू को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा। किच्छू अगर कहीं भी रुकता तो चंदर सिंह जोर से उससे डंडा मारता। खेत तक पहुंचते पहुंचते चंदर सिंह ने डंडे मार मार कर किच्छू को अधमरा कर दिया। अब जल्दी से बता दे मेरे खेत में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, वरना एक और डंडा लगाऊंगा। किच्छू को चंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चंदर को मजा चखाने की सोच ली। वो खेत के एक कोने में गया और उसने जमीन खुरचना शुरू कर दिया। चंदर का मन लालच से भर उठा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चंदर जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर घड़ा बाहर निकालता है, लेकिन घड़े में ढेर सारे मेंढक, केंचुए और गिरगिट निकलते हैं। वे उसके हाथों पर चढ़ जाते हैं। ये क्या बला है किच्छू, तू रुक जा अभी। चंदर फावड़ा लेकर बेचारे किच्छू के सिर पर मार देता है। 3 दिन बीत गए। बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपने किच्छू का इंतजार कर रहे थे। तुम चंदर सिंह के घर जाकर एक बार पूछ लो, मुझे किच्छू की बहुत याद आ रही है। बूढ़ा चंदर सिंह के घर पहुंचता है। चंदर, किच्छू कहाँ है? तुम्हारा कुत्ता गद्दार निकला, मैंने 3 दिन पहले उसे मारकर मेरे खेत में जो शीशम का पेड़ है वहाँ दफना दिया है। बूढ़ा और बूढ़ी किच्छू की मौत की खबर सुनकर बहुत रोते हैं। बूढ़ा चंदर के घर जाकर कहता है, किच्छू तो मर गया, पर क्या तुम उस पेड़ की कुछ लकड़ी मुझे दे सकते हो जिसके नीचे तुमने किच्छू को दफनाया? बूढ़ा शीशम के पेड़ की कुछ लकड़ी अपने घर ले आता है और उससे एक ओखली बना लेता है। बूढ़ी रोजाना ओखली में धान कूटती थी और किच्छू को याद करती। एक दिन जब बूढ़ी ने ओखली में धान कूटना शुरू किया तो ओखली में से ढेर सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान निकलने लगे। ये जरूर हमारे किच्छू की कृपा है। बूढ़ा और बूढ़ी गांव के गरीब लोगों के घर मिठाइयाँ और पकवान बांटते हैं। जब चंदर को ओखली से पकवान निकलने के बारे में पता लगता है तो वो मोतीलाल के घर पहुँच जाता है। दद्दा, हमारे घर में खाने को नहीं है, जरा एक दिन के लिए अपनी ओखली हमें दे दे तो बड़ी कृपा होती। दयालु दंपत्ति चंदर को अपनी ओखली दे देते हैं। चंदर ओखली लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी से इसमें धान कूटना शुरू करो, आज तो बहुत बढ़िया माल पानी खाने को मिलेगा। चंदर की पत्नी लालच में भर कर ओखली को खोदना शुरू करती है, लेकिन ओखली से मिठाइयों और बढ़िया चीजों की जगह भैंस का गोबर, कीचड़ निकलने लगते हैं। ये क्या है? चंदर को गुस्सा आ जाता है। वो बूढ़े की ओखली जलते हुए चूल्हे में झोंक देता है। अगले दिन बूढ़ा चंदर के घर ओखली मांगने आता है। ये गोबर और कीचड़ देख रहे हो, तुम्हारी ओखली से निकली है, मैंने तुम्हारी ओखली चूल्हे में जला दी। बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। ओखली जला दी, चलो कोई बात नहीं, उसकी राख ही मुझे दे दो, वही मेरे किच्छू की निशानी होगी। लगता है ये बुढ़ा उस कुत्ते के चक्कर में सठिया गया है। चंदर 2 मुट्ठी राख एक थैली में भर कर
बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा घर लौटकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। ओखली कहाँ गई? ओखली जल गई, अब हमारे पास केवल ये राख बची है। हवा का एक झोंका आता है और बूढ़े की मुट्ठी से थोड़ी सी राख उड़कर उसकी बगिया में चली जाती है। मुरझाई हुई बगिया के सारे पौधे हरे हो जाते हैं और उन पर फूल खिल जाते हैं। लगता है किच्चू अभी भी हमारे साथ है। राख से फूल खिलने की खबर गांव में फैल जाती है और बात राजा तक पहुंचती है। राजा तुरंत बूढ़े आदमी को अपने महल बुलाता है। हमारे पास एक बगिया है, लेकिन उसकी जमीन बंजर है। जो भी पौधा लगाता हूँ सूख जाता है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बूढ़ा आदमी राजा की बगिया में थोड़ी सी राख उड़ा देता है। राजा की बगिया देखते ही देखते हरी हो जाती है और उसमें फूल खिल जाते हैं। राजा बूढ़े को बहुत सा इनाम देकर विदा करता है। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उधर जब चंदर की पत्नी को ये बात पता लगती है कि राजा ने मोतीलाल को इनाम दिया है, तो वो चंदर से कहती है, उस ओखली की राख अभी भी हमारे झूले में पड़ी हुई है। तुम भी दावा करो ना कि तुम भी राख से फूल उगा सकते हो। पड़ोसी राज्य के एक राजा की भी बगिया बंजर थी। राजा को जब पता लगता है कि चंदर नाम का एक व्यक्ति राख से फूल उगाने का दावा कर रहा है, तो वो चंदर को अपने राज्य में बुलाते हैं। आप चिंता ना करें, बस मैं अभी आपकी बगिया में फूल खिला देता हूँ। चंदर इनाम के लालच में बगिया में राख उड़ाता है। बगिया में फूल नहीं खिलते, लेकिन सारी राख उड़कर राजा की आंखों में घुस जाती है और राजा की एक आंख अंधी हो जाती है। पकड़ लो इसे सैनिकों और जेल में डाल दो। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी कार्य को करते समय हमारी मनोदशा ही महत्व रखती है। अगर हम साफ मन से कोई काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम लालच के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो हमें दंड मिलता है।